हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जा रहे हैं दुर्गा जी के दर्शन के लिए, घर से निकल चुके हैं। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। इतना भव्य दुर्गा जी का पंडाल बनाया गया है कि आपको देखते ही मन करेगा कि मैं देखते रहूं। तो मैं टोटो ले ली और निकल चुकी हूँ एकदम खुली हवा का मज़ा लेते हुए। देखिए मार्केट का नज़ारा पूरा एकदम सन्नाटा ही हुआ है। पूरी बाज़ार में कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है, पूरा एकदम सूना सूना लग रहा है। तो टोटो वाले भैया एकदम उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। तो हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले हैं और ये मैं अभी आई हूँ गिरजा चौक पे, पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ है। मैं पूर्णिया बिहार से और ये गिरजा चौक के पोस्ट ऑफिस में माँ दुर्गा की पंडाल लगी हुई है। तो देखिए डेकोरेशन, और आगे वीडियो में और मैं दिखाऊंगी आपको कि कप्तानपुला खुकसी बाग के पास कितना अच्छा दुर्गा जी का डेकोरेशन किया गया है कि आप देखते ही मन करेगा कि मैं यहाँ से जाऊँ ना, हटने का मन नहीं करेगा। तो चलिए पहले यहाँ के दुर्गा माँ का दर्शन करें। माँ तो माँ होती है और सभी माँ अपने बच्चों से बराबर प्यार करती है। देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है और माँ की प्रतिमा भी बहुत भव्य बनाई गई है। तो मैं आई पहले माँ के मंदिर में जाके वीडियो बनाई, चारों तरफ से वीडियो बनाने के बाद फ़ोटो लिए। और ये मेरे साथ आई है मेरी ननद लगेगी खुशबू। तो हम लोग पूरा एकदम मज़ा लेते हुए वीडियो बनाए, माँ के दरबार में आके रुके, फ़ोटो लिए और अब आराम से माँ के दरबार में बैठ के माँ से मन्नत मांगेंगे कि माँ मेरी मुरादें पूरी करो। और माँ अपने बच्चों की तो सभी बातें मानती है, सभी बातों को पूरा करती है। भले बच्चा नालायक हो जाए लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती। तो माँ से निवेदन करती हूँ कि हे माँ, मेरी सभी कष्ट कलेश को दूर करें और आने वाले जीवन एकदम मंगलमय और खुशियों से भर दें। तो फ्रेंड देखिए, माँ दुर्गा के प्रतिमा पे पान की माला जो चढ़ाई गई है कितनी सुंदर और सुसज्जित लग रही है। तो इधर ये खुशबू मैडम अपना फ़ोटो क्लिक कर रही है, ये भी अपना फ़ोटो क्लिक करने में मगन, और मैं भी अपना वीडियो बना रही थी। तो माँ को किया प्रणाम और सेल्फी भी ले ली। तो मैंने अपने लिए जो मन में मुराद है आप मांग लें तो माँ ज़रूर उसको पूरा करती है। और ये मैडम ये भी प्रणाम की, प्रसाद ली, टीका लगवाई। तो हो गया, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ प्रसाद बट रहा था खिचड़ी का, माता रानी का प्रसाद, तो खिचड़ी लिए दोनों आदमी, एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी खाए। फिर हाथ धो के खिचड़ी खाने के बाद एकदम गर्म खिचड़ी था, मुँह जल रहा था, फिर भी जल्दी जल्दी खाए क्योंकि और आगे जाना था घूमने के लिए। तो आगे टोटो वाले भैया से और इनसे पूछे कि भैया आगे और कहाँ मेला लगा हुआ है। तो ये बताए कि अब आप खुकसी बाग, राम बाग जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी प्रतिमा लगी है माँ दुर्गा की। तो हम लोग आ चुके हैं माँ दुर्गा के दूसरे पंडाल में। तो देखिए यहाँ का भी डेकोरेशन कुछ अलग यूनिक है कि आप देखें तो देखते मन नहीं भरता।
और यहाँ भी श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे। तो मैं भी गई भीड़ को हटाते हुए, और सभी जिसको मैं देख रही थी सभी के हाथ में फ़ोन, और सभी वीडियो बनाने में मगन थे और सभी सेल्फी ले रहे थे। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था जैसा कि अब हो रहा है। तो यहाँ मैं आई, माँ की फ़ोटो ली, वीडियो बनाई। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए और रास्ते में देखे कि एकदम पूरा जाम लगा हुआ है, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और ये भीड़ की खास बात तो ये थी कि यहाँ का डेकोरेशन कुछ इस तरीके का था कि आप देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। और इतनी अच्छी है यहाँ की पंडाल और इतनी अच्छी यहाँ की प्रतिमा है कि आपका मन देखने से बिल्कुल नहीं भरेगा, आप देखते ही रह जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ से चलते हुए हम लोग टोटो से उतर गए, अब पैदल जा रहे हैं। और इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद पंडाल को देखते ही एकदम दिल खुश हो गया। देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी हुई है माँ का पंडाल, और बिल्कुल इस्कॉन मंदिर के डिज़ाइन का बनाया गया है। और मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगी पंडाल का पूरा शो, और इसमें सभी देवी देवताओं का फोटो लगाया गया है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखा, माँ के दरबार में वो जादू है कि आप यहाँ एक बार आने के बाद यहाँ से जाने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो यहाँ मैं आ गई, अपना सेंट्रल खोली और एंट्री गेट से अंदर जाने लगी। तो यहाँ पे जो था गेटमैन वो बोला कि नहीं मैम, ये गेट जेंट्स के लिए है, आप उस गेट से जाएं। तो हम लोग निकल गए फिर यहाँ से, और दिखा रहा था कि देखिए ये जेंट्स के लिए है। तो लेडीज़ वाला जो था उधर से मैं जा रही थी। तो ये अब मैं अंदर जा रही हूँ, और आप बने। जब पंडाल के अंदर आई तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा था, और माँ की प्रतिमा लग रहा था बिल्कुल सोने की बनी हो, और चारों तरफ इस तरीके का सभी भगवान की प्रतिमाएं लगाई गई थी। राधा कृष्ण के विभिन्न रूपों का प्रतिमा लगा हुआ था, और इतनी सुंदर झूमर, और लोगों से एकदम भरी हुई पंडाल। देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा, एकदम कितना प्यारा मनभावन है कि किसी का दिल यहाँ से जाने का कैसे कर सकता है। और ये देखिए माँ की प्रतिमा के आगे एक और छोटी प्रतिमा रखी गई थी, और वो भी इतना ही प्यारा लग रहा था। और ये गुंबद जो इतना प्यारा बनाया गया था, इससे तो नज़र हटाई नहीं जा रही थी, उतना ही प्यारा बाहर का लुक था, एकदम टू कॉपी लग रहा है जैसे कि इस्कॉन मंदिर हो, कुछ इसी तरीके का लुक इस्कॉन मंदिर का भी है, आप देख सकते हैं। तो अब शाम हो गई थी और घर से फोन भी आने लगा था, और इधर इस बेचारी का नेट काम नहीं कर रहा था, इसको लेके ये परेशान थी। और अब हम लोग निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं घर। तो निकले और गेट पे देखिए कि कुछ इस तरीके से सभी नगाड़े ढोल वाले ढोल बजा रहे थे, नगाड़े ढोल का बहुत मान्यता। तो अब हम लोग घर चल दिए हैं। टाटा, पर वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।